नमस्कार। आज इस पहले लेक्चर में देखेंगे कि इकोनॉमिक क्या है या व्हाट इज इकोनॉमिक। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, क्या किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पहला उसका इंट्रो में देखा जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसमें क्या है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। आखिर अर्थशास्त्र है क्या? तो जैसे कि इसका सिंपल और मोस्ट पॉपुलर डिफिनेशन जो है वो क्या है कि अर्थशास्त्र जो है दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन करता है तथा उसका वैकल्पिक उपयोग को भी अध्ययन करता है, और साथ ही साथ सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए। क्योंकि अर्थशास्त्र का जन्म इसी आधार पर हुआ है कि लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो क्या है? अनंत है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, वो संसाधन हमारे सीमित हैं। तो अब सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, और ये जो रिसोर्सेज का कॉन्स्टेंट जो होता है, तो रिसोर्सेज का जो बाधा होता है वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं होता है, बल्कि ये सामाजिक तौर पे होता है, राष्ट्रीय तौर पे होता है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे होता है। अगर हम व्यक्तिगत का बात करें, इंडिविजुअल का बात अगर हम करते हैं, तो इंडिविजुअल जो है उसके पास लिमिटेड इनकम होता है। अगर हम समाज की बात करें तो इंडिविजुअल्स में ही मिलकर समाज बनता है। राष्ट्र के पास करें तो आपको पता होगा कि डेवलपिंग डेवलप कंट्री के रिगार्ड में वो बांटा गया है। इसका मतलब क्या है कि जो गरीब देश है उसके पास मतलब कि रिसोर्सेज नहीं, अगर है भी तो उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? यही कारण से कि कोई भी कंट्री एक दूसरा नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट ऑफ अ स्कार्सिटी ऑफ मींस रिलेशन टू अन्य रिलेशन ऑफ मींस एट द इंडिविजुअल सोशल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। लेकिन अर्थशास्त्र का इतना सीमित ही स्कोप नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात होता है ह्यूमन लाइफ का, कि एक व्यक्ति कैसे जी सकता है और किस तरह का जीवन जी सकता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, लो होगा कि हाई होगा कि ऊपर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं ना। तो सबसे पहला इसको हम लोग देख लेते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स का ओरिजिन का बात करें तो हम लोग सबसे मोस्ट पॉपुलर हम यूरोपियन या फिर इंग्लिश ओरिजिन को जानते हैं और इंडियन ओरिजिन को बहुत कम जानते हैं ओरिजिन को। यहाँ पर हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट पॉपुलर हम इंग्लिश ओरिजिन को लेकर ही काम करते हैं, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स जो है थॉट जो है इसी पे आधारित है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश ओरिजिन क्या बोलता है इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो आया ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया। कोई कोई बुक में आपको ओकियोनोमिया मिलेगा, कोई कोई बुक में आपको ओकियोनोमिकस मिलेगा। ठीक है, और ये पहली बार इकोनॉमिक्स का सेपरेट ब्रांच बनाने का श्रेय किसको जाता है? एडम स्मिथ का। इन्होंने इनका बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1779 में आया था और ये इंग्लिश में था। इनका पूरा बुक का नाम है एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी के चलते इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि एडम स्मिथ पहला व्यक्ति थे जो इकोनॉमिक्स के बारे में बात किए थे। ये भी वर्ड जो लिया गया था वो एरिस्टोटल, या जिसको हम लोग अरस्तू बोलते हैं, उनके बुक इकोनॉमिका से लिया गया था, जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में डील किया गया था, मतलब कि इकोनॉमिक्स का क्या रोल है ना। ये सिर्फ सीमित था, माइक्रो लेवल पे था, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट का बात करता है। आगे हम देखेंगे इसका मीनिंग। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय ओरिजिन का बात करें, इंडियन ओरिजिन की बात करें, तो इसका श्रेय जाता है कौटिल्य का,
उसका नाम विष्णुगुप्त है, गुप्त के भी नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जिनका बुक क्या था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो 300 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है कि ये लिखा गया था। और इसका जो स्क्रिप्ट जो था, जो लिखा गया था, वो संस्कृत में था। तो संस्कृत का अपना होता है छंद, होता है भाग, होता है ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब ये दोनों का मीनिंग हम सेपरेट देख लेते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन इकोनॉमिया से हुआ है। तो ओकियो का मतलब वर्ड में होता है हाउस होल्ड, और नोमिया का मतलब होता है, या नोमो का मतलब होता है, नोमस का आपका मैनेजमेंट, मतलब कि घर का मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ हाउस ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम अर्थशास्त्र का देखते हैं तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थ मतलब होता है पैसा मनी, और शास्त्र मतलब होता है वैसा बुक जिसमें पैसे कमाने की विधि लिखा हो या शिक्षा देती है ठीक है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर हम ह्यूमन का बात कर रहे हैं तो ह्यूमन को जीना चाहिए, क्यों पैदा लेता है तो उसको जीना पड़ता है, जीने के लिए कमाना पड़ता है ठीक है। तो उसके इसी तो आपका डिजायर होता है, या डिजायर होता है इच्छा जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है। अब इच्छा जो होता है तो अनंत होता है, अनंत, और हम उसको पूरा करने का संसाधन हमारे पास क्या होता है, सीमित होता है। तो इस स्थिति में वो क्या करता है, अपने अपना आय को इस तरह से मैनेज करता है कि वो सभी का आवश्यकता और खुद की आवश्यकता को पूरा कर सके। जैसे कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति का एक काम करने वाला है और 5 आदमी उसका डिपेंडेंट मेंबर है, तो वो 1,000 रुपया को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे जो अपने बच्चों को ठीक है, माता पिता को, पेरेंट्स को और खुद को सेल्फ, इतना का आवश्यकता है। बच्चे की अलग आवश्यकताएं होती है, पेरेंट्स की अलग आवश्यकताएं होती है, और सेल्फ खुद की अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो इसका एजुकेशन का होता है, हेल्थ का होता है, खुद का होता है, खुद तो फिर सबका होता है। और पेरेंट्स का बात करें तो ओल्ड एज में ज़्यादातर हमारा हेल्थ केयर का जरूरत पड़ता है, और सेल्फ यंग एज रहता है तो इसको भी अपना स्वास्थ्य रहने के लिए जरूरत पड़ता है, अच्छे फूड की जरूरत पड़ता है, या अपना जो शौक है उसको पूरा करने के लिए। अब ये 10,000 रुपया लिमिटेड है, तो अब इसमें से क्या करेगा, पहला पेरोटी किसको देगा, दूसरा पेरोटी किसको देगा, और अपना क्या रखेगा, किस रिक्वायरमेंट को वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करेगा। तो यहाँ पर उसको उसी हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि 2,000 रुपया बच्चों पे खर्च करेंगे, 2,000 रुपया हम पेरेंट्स पे करेंगे, 2,000 रुपया अपना करेंगे, कुछ बचेगा तो सेविंग करेंगे फ्यूचर के लिए, है ना। तो इस तरह से वो अपना मैनेज करता है। किसी के पास अनलिमिटेड इनकम नहीं होता है, चाहे वो कितना हो बड़ा आदमी है, जो जितना जिसके पास पैसा होता है उसका उतनी ही इच्छा और प्रबल होती जाती है। क्योंकि डिजायर का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर एक डिजायर को अगर पूरा कर देते हैं तो तुरंत वहाँ पर दूसरी डिजायर, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, भले आपका रिसोर्सेस समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर ये दोनों का मतलब एक दूसरे से लिंकअप है कि मैनेजमेंट से पहले हमको क्या चाहिए, पैसा। अब पैसा हमको क्यों चाहिए, जीने के लिए। तो जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हमारे पास लिमिटेड है तो उसको हमको मैनेज करना होगा, या फिर उसका वैकल्पिक प्रयोग ढूंढना होगा, या अल्टरनेटिव यूज को ढूंढना होगा ठीक है। तो इसी चलते इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं कि हमको मनी से चाहिए जीने के लिए ठीक है, उसके लिए पैसा कमाना चाहिए, लेकिन सीमित होने के कारण हमको उसको प्रबंध करना पड़ेगा। तो पूरा अर्थशास्त्र का मतलब यही है, अर्थात ये बात कर रहा है सीधा सीधी मानव के आर्थिक बिहेवियर का ठीक है। लेकिन आगे मॉडर्न में जब हम लोग देखते हैं तो इसका आर्थिक और सामाजिक दोनों हो जाता है। लेकिन लेकिन एडम स्मिथ ने इसको बहुत अच्छा से दो कैटेगरी में, इंसान को दो कैटेगरी में बांटा था, एक इकोनॉमिक मैन और दूसरा नॉन इकोनॉमिक मैन। तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक मैन किसको कहते हैं, आर्थिक मानव किसको कहते हैं, कि आर्थिक मानव उसे कहते हैं जो जिसके जिसकी इच्छा हो,
और इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है या अपनी उपयोगिता संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। नॉन इकोनॉमिक मैन होता है कि जिसका कोई इच्छा नहीं होता है, वो अपने आप जैसे रहना है जैसे मिला वैसे खा लिया, है ना। तो हमारा अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक मैन के लिए है, ना कि नॉन इकोनॉमिक मैन के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक मैन में जैसे साधु संत देखते होंगे, वो एडवांस वाले साधु समझने, जैसे कि ज़्यादातर अघोरी होते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल में पूरा बिलीव करते हैं उनका। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र जो है वो वैसे व्यक्तियों के बारे में बात करता है जिनकी इच्छा हो और उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता हो, चाहे वो अपनी पूरी बुद्धि विवेक लगा दे, अपने रिसोर्सेज को यूज करें, ना कि नॉन इकोनॉमिक मिलते। ऐसे तो डिजायर तो हर किसी का होता है, चाहे साधु संत हो या फिर भौतिकवाद पे विश्वास करता हो। साधु संत का अपना इच्छा होता है, जो अपना स्पिरिचुअल में वो क्या पाना चाहता है नहीं पाना चाहता है, लेकिन इकोनॉमिक मैन को वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है कि हमारा परिवार का कैसा है, उसके लिए हमको क्या करना है, आने वाला जनरेशन के लिए क्या करना है, मेरे लिए क्या करना है। तो ये सारे चीज़ जो है वो इसमें अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कि एक इंसान अपना सही लाइफ या सही ज़िंदगी कैसे जी सकता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकता है और उसकी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सारे चीज डिस्कस करने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, अर्थशास्त्र का वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, आर्थिक या अर्थशास्त्र का समस्या क्या है, किस समस्या को ये डील करता है या किस समस्या को वो समाधान करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इसी को कहते हैं कि सीमित संसाधन से हम असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ संसाधन की बात में, हम सिर्फ ह्यूमन का वांट्स का बात नहीं कर रहे हैं, इंसान की ज़रूरतों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके संसाधन का भी बात करते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो उसके लिए संसाधन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो संसाधन भी हमारे पास इतना नहीं है, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, कि हम हर तरह का वस्तु का उत्पादन किया जा सके। इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन वांट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर अनलिमिटेड एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड, जैसे लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सारे चीज़ आ जाते हैं, है ना। यही हमारा नेतृत्व करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, यहीं से हमारा चुनाव की समस्या को जन्म देता है कि जब हमारे पास उत्पादन करने के संसाधन भी सीमित हैं तो हम सीमित साधन से अलग अलग तरह की वस्तु को हम कैसे उत्पादन करें और एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में हम कैसे उत्पादन करें ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता को पूरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि को प्राप्त करें। ठीक है, तो इसी के चलते इसमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। उसी तरह से हम आय के संदर्भ में भी देखे थे कि जब हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस रहता है तो उस रिसोर्स आय रहती है तो उसको हम किस तरह से एलोकेट करते हैं विद इन द फैमिली, कि उसको किसकी किसकी आवश्यकता को पहला प्रायोरिटी दिया जाए। तो वहाँ पर भी हमारा चुनाव की समस्या जन्म लेती है। और उत्पादन करने समय भी हमारा वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उस समय भी चुनाव की समस्या जन्म लेती है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ है कि इसी प्रॉब्लम को जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज को या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अलग अलग उत्पादन में या अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में जो हम एलोकेट करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्पादन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्टि प्राप्त हो सके, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजिंग प्रॉब्लम भी कहा जाता है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज सो एज टू अचीव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, है ना, कि इस तरह से हम संसाधनों का वितरण करें जो ज़्यादा से ज़्यादा हम मानव जरूरतों को पूरा कर सकें।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल होता है कि हम किस तरह से, क्यों ऐसा समस्या उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो वन लाइन प्रोडक्शन होता है, या उसको हम लोग कहते हैं इन वन लाइन, या फिर उसको वन वे प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। क्योंकि एक बार हम अगर हम इनपुट से आउटपुट कर देते हैं तो हम आउटपुट से फिर वापस हम इनपुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार जो रिसोर्सेस यूज हो जाता है तो उसको हम दोबारा हम उसका ओरिजिनल फॉर्म में हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वन वे प्रोडक्शन या इन वन लाइन प्रोडक्शन, ठीक है। और टू वे प्रोडक्शन का मतलब होता है कि इनपुट से हम आउटपुट दिए, आउटपुट से फिर हम इनपुट कर दिए, तो इस केस में समस्या कम उत्पन्न होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन का समस्या है वो ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज खत्म होने की समस्या ज़्यादा होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो तरह का रिसोर्सेज होता है, एक एग्जॉस्टेबल और दूसरा नॉन एग्जॉस्टेबल। तो नॉन एग्जॉस्टेबल जो होता है उसको हम रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जॉस्टेबल को हम रिप्रोडक्ट ह्यूमन एफर्ट से कभी नहीं कर सकते हैं। तो अधिकतर रिसोर्सेज जो है हमारा वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ही होता है। इसलिए हम जैसे जैसे विकास की ओर जाते हैं, जैसे जैसे संसाधनों का उपयोग करते हैं, वैसे वैसे रिसोर्सेज की कमी भी होना शुरू हो जाता है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा चॉइस ऑफ इकोनॉमी या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि चॉइस सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए, कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से फुलफिल कर सकता है या कितना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की बात नहीं होता है ना, कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी देखना होता है, कि अगर प्रेजेंट जनरेशन जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज कर लेगी तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन हमारा क्या होगा, उसके लिए कितना बचेगा। तो ये सारे समस्याओं को हम अर्थशास्त्र में डील करते हैं, जो आगे जाके एक अलग सेपरेट ब्रांच बनता है, पर्यावरण अर्थशास्त्र, ठीक है। तो उसको हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल, इसका अर्थशास्त्र का परिभाषित कैसे किया गया, कौन कौन डिफिनेशन आया है ना, और किस तरह से इकोनॉमिक्स का ग्रोथ हुआ है ना, या स्टेज बाय स्टेज, की पहले आया ओरिजिनल फॉर्म में तो वो क्या बता रहा था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडम स्मिथ जो पहले इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का सेपरेट ब्रांच इन्होंने बनाया, और ये पोलिटिकल इकोनॉमिक्स से, पहले इकोनॉमिक्स जो था वो पोलिटिकल इकोनॉमिक्स था, ठीक है। वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से ये सेपरेट ब्रांच इकोनॉमिक्स का बना है, ठीक है। कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अलग होता है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से सेपरेट ब्रांच बना है, जिन्होंने पहली बार डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। कि अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद आप धन कैसे कमा सकते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपना विवेक बुद्धि को प्रयोग करके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन का उत्पादन कर सकें, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, कि जब हम सिर्फ वेल्थ का बात करते हैं तो वेल्थ आप किसी भी तरह से कमा सकते हैं, चाहे वो चोरी करके, किसी को मर्डर करके, सिर्फ ये यही चीज़ बताता है, ठीक है, ये डिफिनेशन, कि आप सिर्फ पैसा कमाइए, चाहे जिस सोर्स से कमाइए, किसी को तकलीफ पहुंचा कीजिए या फिर बिना तकलीफ पहुंचाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, और उसका कल्याण के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में रिकार्डो जब आते हैं तो इन्होंने बोलता है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र वितरण का अर्थशास्त्र है ना, धन के वितरण का अर्थशास्त्र है। ये जो भी पृथ्वी में, पृथ्वी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या पृथ्वी से प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम अलग अलग या सभी ह्यूमन के बीच कैसे बांट सकते हैं, या कंज्यूमर के बीच कैसे बांट सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स, इनका कहना है कि एक हाउ द प्रोड्यूस ऑफ अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है वो वितरण का अध्ययन करता है, ठीक है। वहीं जब मार्शल आते हैं तो
एडम स्मिथ की बात को यहाँ पर इग्नोर करते हैं कि ठीक है, धन कमाना तो जरूरी है, क्योंकि अपने भौतिक आवश्यकताओं को या मैटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए हमको संसाधन चाहिए, संसाधन वस्तु चाहिए, वस्तु एवं सेवाएं चाहिए, उसको खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप खुश नहीं हैं, या फिर वो उसका उपयोग करना ही नहीं जान रहे हैं, तो आपके ये धन कोई काम का नहीं होता है। इसलिए इन्होंने पहली बार कल्याण की धारणा को प्रस्तुत किया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच कंसर्न विथ मेटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। ठीक है, कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है और वह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यवाही के उस हिस्से का जांच करती है या अध्ययन करती है जो अच्छी तरह से भौतिक आवश्यकताओं के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेलफेयर का जब हम बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, तो उसको हम लोग उपभोग से मेजरमेंट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितने भौतिक वस्तु का उपयोग करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एक घर में कितना उसके पास संसाधन है, जैसे कि फ्रिज है कि नहीं है, घर कैसा है, खाना किस तरह का खाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जितना जिसके पास ज़्यादा होता है उतना ही उसका वो वेलफेयर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो आदमी धन क्यों कमाता है? ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई हो, या फिर जो लाइफ में कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम हो। जैसे कि पहले ज़माना का आदमी को अगर देखिएगा तो उन लोग को पानी माथा पे ढोना पड़ता था, दूर से नदी से लाना पड़ता था, कुआं से लाना होता था। लेकिन अब हम लोग क्या कर दिए, उसमें चेंज हो गया कि अब वो जो कॉम्प्लिकेशन जो था, वो जो कठिनाइयाँ था, वो खत्म हो गया। हमारे घर में पानी आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हम अपने लाइफ को सुविधाजनक बनाते हैं। वेलफेयर कहने का मतलब यही होता है कि इंसान अपनी लाइफ को कितना सुविधाजनक बनाए और कम से कम तकलीफों का सामना करना पड़े, और अपना कम से कम चॉइस है ना, चॉइसेस को या डिजायर को कंप्रोमाइज करना पड़े। ठीक है, तो वेलफेयर का शुरुआत हमारा इकोनॉमिक्स में यहीं से होता है, मैनकाइंड से। ठीक है, तो इसलिए मार्शल के अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो कल्याण का अर्थशास्त्र है। ठीक है, और इसी कल्याण में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही हमारे जो नोबल विजेता हैं अमर्त्य सेन ना, उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था 1998 में, है ना, जिनका थ्योरी का नाम था वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी। ठीक है, और इनका अधिकतर जो काम है, आप लोग जानते हैं एसडीआई भी यही लिए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, और इनका ज़्यादातर काम जो है वो ह्यूमन राइट्स का है ना, मानव अधिकार के लिए, गरीबी के लिए और इनइक्वलिटी को कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि हमारे समाज का या फिर समाज का समस्याओं का समाधान हो सके, उसका जीवन स्तर में सुधार कैसे किया जाए। कि जो हमारे यहाँ इनइक्वलिटी है कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास कम धन है ना, तो इसको हम कैसे खत्म करें, इस पर इनका बहुत सारा कार्य है। इनइक्वलिटी पे भी है कि हम मेल और फीमेल को इस नज़रिया से देखते हैं, हमको इक्वलिटी क्यों नहीं होता है, तो इस तरह का इनका बहुत सारा स्टडी है। वहीं बात करें पीगू का, तो मार्शल की परिभाषा को ही इन्होंने आगे बढ़ाया कि ठीक है, वे इकोनॉमिक्स जो है वे सोशल वेलफेयर का बात करता है, लेकिन उस सोशल वेलफेयर को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, उपभोग से, कंजम्पशन से, कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उस कंजम्पशन को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, उस कंजम्पशन को हम लोग एक्सपेंडिचर से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर से, और एक्सपेंडिचर जो है उसको हम लोग किस रूप में मेजरमेंट करते हैं, मनी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने यही कहता है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर विच कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टू रिलेशन विथ मेजरिंग रोल ऑफ मनी। ठीक है, अर्थात सामाजिक कल्याण की उस हिस्से का अध्ययन करता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में मापा जा सकता है।
वहीं बात करें रास्तों कैसल का, तो इन्होंने बहुत बताता है कि इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है कि बाजार मूल्य और बाजार विनिमय का अध्ययन करता है। कि यहाँ पर देखिए बाजार मार्केट मैकेनिज्म का बात करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म कहने का मतलब कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थशास्त्र का बात करते हैं, तो हर वस्तु एवं सेवाओं या उत्पादन के साधनों संसाधनों का जो कीमत निर्धारण होता है वो बाजार में होता है मांग और पूर्ति के आधार पर, और उसी के आधार पर कितना उत्पादन किया जाए कितना नहीं किया जाए ये सारा डिसीजन होता है। तो कोई भी वस्तु का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज जो होता है कि प्रोड्यूसर के पास जो गुड्स है वो कंज्यूमर तक क्यों कैसे आएगा और उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करता है कौन, अर्थशास्त्र में, कि किसी भी वस्तु का प्राइस कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उस प्राइस पे कितना हमको बेनिफिट होगा, कितना लोगों का बेनिफिट होगा, तो ये सारे चीज़ हमारा मैकेनिज्म को बताता है। ठीक है, अभी तक तो हम ठीक है। सैमुसन का जो समराइज डिफिनेशन है वो है कि अर्थशास्त्र जो है वो ग्रोथ का अध्ययन करता है। ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ वर्तमान और भविष्य में की जाने वाले आर्थिक गतिविधि का भी अध्ययन करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं चाहे वो पैसा कमाए या फिर ना कमाए, ठीक है, अगर वो इच्छा रखता है तो उसके पास उसके साथ भी ये सारी समस्या उत्पन्न होता है ना। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो हमारे स्केयर रिसोर्सेस हैं है ना, उसको हम किस तरह से उपयोग में लाया जाए ताकि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों लाभान्वित हो या दोनों उस चीज़ को कंज्यूम करें। ठीक है, वही बात करते हैं अगर जैकब वाइनर का, तो जैकब वाइनर एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सारे डिफिनेशन को समराइज कर दिया और उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बोल दिया कि इकोनॉमिक्स इज वाट इकोनॉमिस्ट डू, कि अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं। अर्थात इसमें आप सारा डिफिनेशन को सम्मिलित कर सकते हैं कि अगर धन कमाने के लिए यूज किया जाता है तो धन के लिए भी हो सकता है, अगर कल्याण के लिए है तो कल्याण के लिए, मार्केट मैकेनिज्म के लिए अगर अध्ययन करते हैं तो मार्केट मैकेनिज्म के लिए, बिजनेस के लिए करते हैं तो बिजनेस के लिए, पर्सनल के लिए करते हैं तो पर्सनल के लिए। अर्थात मानव को जो जो भी जीने के लिए एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, लीगल एक्टिविटीज़ है ना, कानूनी तौर पे, वो सारे का अध्ययन करता है। अर्थात इकोनॉमिस्ट उसमें जो भी चाहे जो भी सेक्टर को जो भी क्षेत्र को अध्ययन करना चाहते हैं वो सारा हमारा इकोनॉमिक्स कहला जाता है, चाहे वो स्केयर रिसोर्सेज के संबंध में हो, लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स का पूर्ति करने का हो या फिर उसका वैकल्पिक प्रयोग ढूंढने का हो, सारे डिफिनेशन इसमें समाहित हो जाता है। तो पूरे डिफिनेशन को सारे अलग अलग अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं कि वास्तव में अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र क्या है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि अर्थशास्त्र जो है वो मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। क्लासिकल में सिर्फ हम आर्थिक व्यवहार का बात करते थे लेकिन मॉडर्न में हमारा सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है कि हम किस तरह से रहते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हम सारे चीज़ को अध्ययन करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, कौन सा वस्तु किसको पसंद है, किस जगह पर किस वस्तु की ज़रूरत है ना, इसके बारे में और हम लोग आगे डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस में खास करके आपको बहुत कंट्रोवर्सी मिलेगा, खास करके इकोनॉमिक्स में है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विचारधारा पे आधारित होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब छः अर्थशास्त्री एक साथ बैठते हैं तो संतवा विचार जो होता है वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है या फिर अपने आप आ जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र को क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी कहा जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र में सोशल साइंस का करीब करीब सारे सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मैथ और स्टैटिस्टिक्स भी शामिल होता है, तो इसी चलते इसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा जाता है। क्वीन कहने का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जानते हैं कि
उसका सजना धजना ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में बहुत तरह का सजावटें होते हैं, माइट्स के रूप में, स्टैटिक्स के रूप में, ठीक है, हिस्ट्री के रूप में, इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो ये सारे चीज़ इसमें शामिल होता है, इसीलिए इसको सोशल साइंस का कीन कहा जाता है। अगर हम नोबेल प्राइज़ का बात करें तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ देने का शुरुआत 1969 से शुरू होता है, जिसमें पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो रैगनर फ्रिस और टिम बर्जर को दिया जाता है। इनका इकोनॉमिक्स में काफ़ी योगदान है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनका सबसे पहला इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में डिवीजन करने का श्रेय रैगनर फ्रिस को ही जाता है, और इकोनॉमिक ट्रिक्स मैंने अर्थनीति, अर्थशास्त्र का एक नया ब्रांच है अर्थनीति है ना, उसका भी इंट्रोडक्शन का श्रेय इन्हीं को जाता है। साथ ही साथ दोनों ने इकोनॉमिक्स को मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करने का पहला श्रेय इन्हीं को जाता है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने मैथ और स्टैटिक्स और ये इकोनॉमिक थ्योरी को कंबाइन करने की कोशिश किया गया है। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा एनालाइज करने के बाद उसका क्या यूज होता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रिया का जो भी आंकड़े हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज रेट, मनी सप्लाई, जो भी है वो सारे को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है उसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहला तो हम लोग टीचिंग के फॉर्म में यूज करते हैं, शिक्षक लोग, कि आने वाले जनरेशन को या वर्तमान जनरेशन को इकोनॉमिक एक्सीडेंट या इकोनॉमिक जो घटनाएं घटी है उसके बारे में बताना, थ्योरी कैसे डेवलप हुआ, मॉडल कैसे डेवलप हुआ, रिसेशन कैसे आता है, डिप्रेशन कैसे आता है, रिकवरी कैसे होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या रोल होता है, ये सारे चीज़ को हम ट्रेंड एनालिसिस या फिर डेटा को एनालाइज करके हम बताते हैं, जिससे कि हमारा पॉलिसी मेकिंग में यूजफुल होता है, बिजनेस स्टडी में यूज होता है, कि हम नया बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको हम किस तरह से और बेटर वे में रन कर सकते हैं, हम नया पॉलिसी कैसे लाएं, क्या पॉलिसी अपनाएं जो हम अब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करें, सरकार भी किस तरह का पॉलिसी लाए जिसमें से ज़्यादा लोग बेनिफिट लें और वो सक्सेस, पॉलिसी सक्सेस हो। तो पॉलिसी भी इम्प्लीकेशन के लिए सबसे पहला डेटा की ज़रूरत होता है, डेटा को एनालाइज करने के बाद रिजल्ट के आधार पे हम पॉलिसी करते बनाते हैं, और पॉलिसी अब इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम फिर से उसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये पॉलिसी इफेक्टफुल है, प्रभावपूर्ण है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स एनालिसिस में हमारा ह्यूमन बीइंग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी योगदान होता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं हम लोग। तो हम लोग पूरा ऊपर देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो मानव कल्याण के लिए है, किस तरह से अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकता है, मार्केट मैकेनिज्म को कैसे कर सकता है, उसके अलावा एक पार्टिकुलर व्यक्ति क्यों पढ़ता है। तो उसके लिए सबसे पहला बात है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अर्थशास्त्र का स्टूडेंट ही हो, वो अपने घर को कैसे चलाए, जो रिसोर्सेस है उसको हम बेटर यूटिलाइज कैसे करें, कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, अपना अपना फैमिली को हम चॉइस कैसे करें, चुने किसी कौन सी ज़रूरत को हम पहले प्रायोरिटी दें, किसको हम सेकंड में दें। तो इससे हमको ये चीज़ समझ में आता है, इम्पोर्टेंट समझ में आता है कि कौन सा ज़रूरतें हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पहला प्रायोरिटी दिया जाए या उस पर पैसा पहले खर्चा किया जाए। दूसरा कि जो भी प्रॉब्लम एराइज होता है, जो भी समस्या उत्पन्न होती है, उसका मूलभूत कारण क्या है, वहाँ कहाँ से शुरू होता है और उसका प्रभावपूर्ण सॉल्यूशन क्या है, इसको करने में हेल्प मिलता है। दूसरा कि इसमें आप करियर भी बना सकते हैं, बैंकिंग है, आरबीआई का है, तो बहुत सारा इसमें सेक्टर है, डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिसिस का काम स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी अगर सही रहेगा तो ही वो देश विकास कर पाएगा, अर्थात अगर जिसका जीडीपी बढ़ता है या फिर जिसके पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है, ठीक
अगर इकोनॉमिक कंडीशन जिस कंट्री का स्ट्रांग होगा उसी कंट्री का हर सेक्टर डेवलप कर सकता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है या संसाधन नहीं है तो वो विकास नहीं करेगा। तो फैमिली हाउसहोल्ड ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के लिए या फिर कंट्री के लिए इकोनॉमिक बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो या नहीं हो। अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर तरह का कंपटीशन आपको कंपटीशन में आपको इकोनॉमिक्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मार्केटिंग का और अगर हम डिटेल में बात करें तो उपभोक्ता या कंज्यूमर का नेचर को पता करने में, प्रोड्यूसर का नेचर पता करने में या फिर मार्केटिंग में, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में, प्लानिंग पॉलिसी में, ये सारे चीज़ में यूज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसे प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, चाहे वो 50% हो, 90% हो, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसा है और उसको हम एनालाइज कैसे कर रहे हैं और एनालाइज करने वाले व्यक्ति कैसा है, ठीक है। तो ये तो रही इसका इम्पोर्टेंस या फिर वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इसके साथ साथ इसका एक अर्थशास्त्र की सीमाएँ भी है, लिमिटेशन भी है। पहला लिमिटेशन ये है कि हम किसी भी समस्या को या किसी भी फ्यूचर को, भविष्य को हम एग्जैक्टली भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि किसी भी समस्या का समाधान के लिए हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक्स में ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि उसको हम लगाएं और हो गए। हो सकता है कि जो मेथड डेवलप कंट्री में यूज हुआ वो डेवलपिंग कंट्री में नहीं होगा, यहाँ तक कि जो एक सेक्टर में होगा वही वो दूसरे सेक्टर में भी अप्लाई होगा, ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि हम इकोनॉमिक से एग्जैक्ट ह्यूमन बिहेवियर को भी हम पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मानव बिहेवियर होता है, मानव व्यवहार जो होता है, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक कहने का मतलब कि हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है, प्रिफ्रेंस अलग अलग होता है, समय के साथ भी चेंज होता है, जगह के साथ चेंज होता है ना। यहाँ तक कि एक दिन में कितना बार चेंज होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में फिर भी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन नेचर को एग्जामिन करें, है ना, और इसके अनुकूल हम अपना पॉलिसी बनाएं, अपना बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम सक्सेस हों, ठीक है। तो ये था पूरा इकोनॉमिक्स क्या है। धन्यवाद।